शुरू होते ही युवाओं में खेल के प्रति उत्साह बढ़ने लगा है। वैसे यह मैच आदित्यपुर स्थित रोड नंबर 15 और 16 के कुलपटांग मैदान में एक दिवसीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। ये टूर्नामेंट न्यू डिस्को क्लब द्वारा कराया जा रहा है। इस टूर्नामेंट में कुल 19 टीमों ने भाग लिया। वैसे यह मैच देर रात तक चलता रहेगा। उधर मैच के मुख्य अतिथि के रूप में आदित्यपुर नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष सुरेंद्र नारायण सिंह सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहेंगे। वॉलीबॉल टूर्नामेंट के आयोजन का मुख्य उद्देश्य है खेल को बढ़ावा देना। ऐसी भी राज्य सरकार खेल और खिलाड़ियों को लेकर कई योजना लेकर आई। उधर खेल में शारीरिक और मानसिक विकास होता है, ऐसे में ज़रूरत है कि युवाओं को थोड़ा वक्त निकालकर अपने शरीर के लिए खेल खेल की और खेल में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की। एक दिवसीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट यहाँ पे आयोजित किया गया है न्यू डिस्को क्लब द्वारा। तो इसमें बहुत सुंदर सर्विस, बहुत अच्छी बात, अच्छा ये प्रयास है इन लोगों के द्वारा। यहाँ जो आयोजक हैं ऐसा प्रयास इन लोगों ने किया कि नौ वर्ष के शुरुआती में इतने अच्छे चीज से स्पोर्ट्स एक्टिविटी का शुरुआत किया। स्पोर्ट्स एक्टिविटी हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि सेहत से बेहतर हो रहा। कितना दिन चलेगा? देखिए ये एक दिवसीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट है, न्यू डिस्को क्लब आदित्यपुर दो द्वारा आयोजित है। और 20 टीमें भाग लेगी। मैच के बावजूद बहुत सुंदर और बेहतर आयोजन हुआ है। मुझे लगता है कि ऐसे नौ वर्ष के मौके पर युवाओं के द्वारा किए गए इस आयोजन से समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा, युवाओं में नई ऊर्जा और चेतना का संचार होगा। इस आयोजन के माध्यम से हम लोग ये मैसेज भी दे रहे हैं सारे युवा किसी न किसी खेल से जुड़े, ताकि अगर आपका हेल्थ ठीक होगा तभी आप चाहे वो आप किस भी काम में लगे हों, पढ़ाई के क्षेत्र में हों, खेल के क्षेत्र में हों, बिजनेस के क्षेत्र में हों या जिस भी क्षेत्र में, जब तक आपका हेल्थ ठीक नहीं होगा, हेल्थ इज वेल्थ, तो किसी न किसी खेल से आपको जुड़ना है। और जब आप खेल में जुड़ेंगे तो और भी जो विकृतियाँ हैं समाज में, बुराइयाँ हैं बहुत सारी, उससे आप दूर रह पाएंगे, रख पाएंगे अपने आप को। तो इस आयोजन के पीछे ये सब भी एजेंडा है, हिडन एजेंडा।